दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वीएस नायपॉल की एक बहुत ही फेमस नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको हर सिलेबस में मिलेगी, जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। ये नोवेल जो है इसको 1958 से 1961 के बीच में लंदन इंग्लैंड में लिखा गया और 1961 में इसको पब्लिश करवाया गया। ये जो नोवेल है इसकी सेटिंग रखी गई है त्रिनिदाद में और थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नोवेल बहुत ही फेमस वर्क है, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक अच्छा एग्जांपल है ये वर्क। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का पार्ट है ये नोवेल। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये वीएस नायपॉल की फोर्थ नोवेल थी जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही और इस नोवेल ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। स्पेशली 1971 में मैन बुकर प्राइज अवार्ड इस नोवेल को मिला था क्योंकि इसकी स्टोरी ही ऐसी है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ कि आज के मॉडर्न समाज में आप लोगों के हिसाब से सक्सेस किस चीज़ को मानोगे? आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि अपना घर ले लेना आज के टाइम में सक्सेस है। जिसके पास आज के टाइम में अपना घर है उसकी जीत है, ऐसा कुछ अधिकतर लोग ऐसा ही बोलते हैं और ये सच भी है। ये कहानी भी ऐसे ही एक कैरेक्टर की है जिसका नाम है मिस्टर बिस्वास। मिस्टर बिस्वास 46 की एज में अपने खुद के घर में मर गया, लेकिन खुशी से मरा कि वह अपने खुद के घर में मरा। तो मैं शुरू से इस कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी है मोहन बिस्वास नाम के एक आदमी की, जिसका जन्म हुआ था त्रिनिदाद नाम की जगह पर। त्रिनिदाद में आपको बता दूँ इंडिया में नहीं है, बाहर की कोई जगह है। एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में इसका जन्म हुआ था। अब इसका जन्म हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इसका जन्म हुआ बहुत ही अशुभ घड़ी में, आधी रात में, और इसके एक हाथ में 6 उंगलियाँ थी। तो पंडित ने बोला कि ये बहुत ही गलत तरीके से पैदा हुआ है और ये लड़के की कुंडली कुछ ऐसे बोलती है कि ये आगे चलकर बर्बादी करेगा, झूठ बोलेगा, अय्याश किस्म का बनेगा और अपनी माँ बाप की मौत का कारण भी बनेगा। पंडित बोला कि सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इस बच्चे को बस पेड़ों से और पानी से दूर रखा जाए, खास तौर पे पानी से दूर रखा जाए, यही एक सॉल्यूशन है, कर सको तो कर लो। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, आगे हम इस कहानी में मोहन बिस्वास नहीं बोलेंगे, इसको मिस्टर बिस्वास बोलेंगे, क्योंकि इस कहानी का ऑथर राइटर यही चाहता है कि हम इसको मिस्टर बिस्वास बोलें। अब कुछ साल गुजरे और ये मिस्टर बिस्वास बड़ा हुआ, तो ये अपने पड़ोसी की बकरी चराने के लिए ले गया खुद से, क्योंकि ये काम नहीं कर सकता था अपने फादर के खेत पर। इसके दो बड़े भाई थे, वो अच्छा काम कर सकते थे अपने फादर के खेत पर, तो वो करते थे, लेकिन ये नहीं कर सकता था, तो अब कुछ तो करना था। ये अपने पड़ोसी की बकरी चराने के लिए ले गया क्योंकि इसका पड़ोसी चाहता था कि कोई मेरी बकरी को चराने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो ये उसके पास काम करने लग गया। अब ये बकरियाँ चराने ले गया तो वहाँ पर एक नदी इसने देखी। ज़िंदगी में जिस बच्चे ने पानी नहीं देखा उसने पहली बार नदी देखी। इसने नदी क्या देखी, उसको देखता ही रह गया और इसकी बकरियाँ भाग गई। अब इसको लगे डर कि घर जाऊँगा तो मार पड़ेगी, तो ये घर नहीं गया, छुप गया। थोड़ी देर बाद इसका फादर इसको ढूंढता हुआ आया। इसके फादर का नाम था रघु, जो एक शुगर केन वर्कर था। वो इसको ढूंढता हुआ आया और उसने सोचा कि मेरा बेटा नदी में गिर गया, तो वो उसने और छलांग लगा दी नदी के अंदर और वो डूब के मर गया। और इसी के साथ पंडित की भविष्यवाणी सच साबित हुई, इसके फादर रघु की डेथ हो गई इसी की वजह से। इसके फादर की क्या आदत थी, इसके फादर की एक आदत और थी कि जो भी वो कमाता था वो क्या करता था, अपना सारा कमाया हुआ ज़मीन में गाड़ देता था। सारा पैसा वो ज़मीन में गाड़ देता था, छुपा कर रखता था, और अंधविश्वासी बहुत था वो आदमी। अब इसके फादर की डेथ के बाद में इसके पड़ोसियों ने क्या किया, वो पैसा खोद निकालने की कोशिश की, इसकी माँ ने भी वो घर बेच दिया, और इसके फादर की डेथ के बाद में इसकी पूरी फैमिली बिखर गई। इसकी माँ ने क्या किया, इस घर की बेटी को यानी कि इसकी बहन को तो रहने भेज दिया, एक वेल्दी अंकल आंटी थे, नाम था उनका तारा और अजोदा, उनके घर पे रहने के लिए भेज दिया, जो चाइल्डलेस थे, उनके पास बच्चा नहीं था कोई, तो उन्होंने इनकी बेटी को अपना लिया। बाकी ये अपनी माँ और अपने दो बड़े भाइयों के साथ में दूसरे रिश्तेदारों के घर रहने चला गया। इसके बाद ये ज़्यादा टाइम पढ़ भी नहीं सका और इसको इसके स्कूल से भी निकलवा दिया गया परमानेंटली। फिर इसके बाद इसको एक पंडित के यहाँ पर काम पर लगा दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी ये ज़्यादा टाइम नहीं रुका, इसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर इसका जो ये मौसा था अजोदा, इसका खालू, उसने क्या किया, इसको इसके शराबी भाई के पास में भेज दिया। उस शराबी भाई का नाम था बंदत। वहाँ भी इसकी किस्मत ख़राब निकली, वो भी इसको बहुत गालियाँ देता था, तो इसने खुद ही वहाँ से काम छोड़ दिया और फैसला किया कि अब ये खुद पैसा कमाएगा, खुद का पैसा खुद बनाएगा। तो अभी इसकी एज ज़्यादा नहीं थी, कमी थी, लेकिन फिर भी समझदारी की कोई एज नहीं होती।
इसको इसका एक स्कूल फ्रेंड मिला, उसने इसको एक काम पर लगवा दिया। ये काम था पेंटिंग से रिलेटेड, कोई काम था, साइन राइटिंग का काम था, तो उस बिजनेस में इसको लगवा दिया। तो ये घर में काम कर रहा था तुलसी हाउस में, एक हनुमान हाउस नाम की जगह थी, वहाँ पे तुलसी फैमिली रहती थी, वहाँ पर ये काम कर रहा था। तो जॉब करते करते इसने क्या किया, वहाँ पे एक लड़की थी श्यामा तुलसी नाम से, उसके साथ ऐसे मजाक मजाक में इसने लव गेम खेला, ऐसे ही कोई लव लेटर लिख दिया। तो उस फैमिली ने इस चीज़ को गलत ले लिया, वो लव लेटर इसके किसी फादर को मिल गया, श्यामा तुलसी के फादर को मिल गया, और वो लोग इस बात को गलत ले गए। अब नॉर्मल फैमिली क्या करेगी, इसको डांटेगी फटकारेगी, लेकिन उन लोगों ने इसके सामने शादी का ऑफ़र रख दिया, हाथ मांग लिया। तो ना चाहते हुए भी इसको उस लड़की श्यामा तुलसी से शादी करनी पड़ी। शादी बाद लाइफ क्या हो जाती है, एक पैसा भी नहीं जोड़ पाता आदमी, और ये अपनी शादी चाह के भी नहीं रोक सका, इसको उस लड़की श्यामा तुलसी से शादी करनी पड़ी। और ये उस घर में चला गया हनुमान हाउस होल्ड में, यानी कि तुलसी हाउस होल्ड में, तुलसी फैमिली जहाँ रहती थी। अब ये तुलसी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, इस घर की लड़कियां ही 16 थी, जिसमें से एक लड़की का हस्बैंड ये था मिस्टर बिस्वास। और इसको यहाँ आने के बाद, इस फैमिली में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि इसने जल्दबाजी में इन लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये पछता रहा था क्योंकि यहाँ की लाइफ बिल्कुल इसको समझ में नहीं आ रही थी, इसकी फ्रीडम इससे खो गई थी एक तरह से। और दूसरा, ये फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, बल्कि दर्जनों लोग इस फैमिली में एक साथ रहते थे। मिस्टर बिस्वास को ये फैमिली का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो इस फैमिली तो फैमिली से, ये अपनी वाइफ से भी नफरत करने लगा था, श्यामा तुलसी से भी। अब इस फैमिली के कुछ मेंबर्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले तो इस फैमिली का सबसे मेन आदमी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी है सेठ। सेठ इस घर का दामाद है, यानी कि इसका साढ़ू भाई है, और इस तुलसी हाउस होल्ड में सबसे पावरफुल आदमी है पद्मा का पति है। दूसरा, मिसेस तुलसी, जिनके नाम पे ये घर चलता है, वो इस घर में सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा मिस्टर बिस्वास की एक और साली चिंता, उसका हस्बैंड गोविंद, जो कि एक धार्मिक आदमी है, उसी की तरह एक और कट्टर ब्रदर इन लॉ हरी, और दो साले मिसेस तुलसी के दो बेटे, जिनका मिसेस तुलसी बहुत ध्यान देती थी। अब यहाँ पे मिस्टर बिस्वास को इस फैमिली में बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो क्या हुआ कि इसकी इस घर के फैमिली मेंबर्स से कोई बहस हो गई, तुलसी का छोटा बेटा था ओवध, उससे इसकी कोई बहस हो गई। तो मिस्टर बिस्वास को ये जो गोविंद था, इसने बहुत बुरा पीटा, इतना बुरा पीटा, इन सब ने मिलकर इसको बुरा पीटा, और इसको ऑर्डर दिया कि घर छोड़कर चले जाओ। अब मिस्टर बिस्वास उस घर से निकाले जाने के बाद में एक दूर किसी चीज़ नाम के गांव में चला गया, वहाँ पर ये एक स्टोर चलाने लगा, ये स्टोर भी तुलसी हाउस होल्ड का ही था, तो ये इसको चलाने लगा। तो ऐसे में इसकी वाइफ ने इसका बड़ा विरोध किया कि आपको पंगे लेने की क्या ज़रूरत थी, अब ये छोटे से घर में आकर रह रहे थे। उसके बाद इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और उसकी एक बेटी हुई सवी नाम की। अब इस गांव में जो ये स्टोर खोलकर बैठा था, तो इसका काम नहीं चल रहा था उस गांव में, क्योंकि ये गांव के बहुत सारे लोगों को बहुत उधार दे चुका था। अब इसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी, और इस एरिया में एक ठग था जिसका नाम था मंगरू करके कुछ नाम था उसका, वो अक्सर इस मिस्टर बिस्वास से उधार सामान लेता था, और उसी ने ही मिस्टर बिस्वास पर केस कर दिया, जिसके बाद ये मिस्टर बिस्वास को ग्रीन वेल नाम की जगह पर जाना पड़ा। ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसकी फैमिली को तो वापस बुला लिया गया तुलसी हाउस होल्ड में, इसकी बीवी को और इसकी बेटी को, इसके बेटे को, एक बेटा भी हो गया था इसका आनंद नाम का, उनको वापस बुला लिया गया। ये यहीं पर ग्रीन वेल में काम कर रहा था, इसको काम दिलवाया इस सेठ ने, ये सेठ के अंडर एक ड्राइवरी का काम कर रहा था, लेकिन वो काम बहुत ही थकाऊ था, और घर भी बहुत छोटा था, एक कमरे का घर था, निहायत ही बेकार कंडीशन थी उस घर की। वहाँ पर इसको शांति मिलती थी सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़कर, जो भी ये खुद के नहीं पढ़ता था, पड़ोसी के पढ़ता था शायद, वहाँ पर ये न्यूज़पेपर पढ़ता था, तभी इसकी वहाँ पर एक इच्छा जागी। इसकी इच्छा क्या जागी कि ये खुद का घर बनाएगा, अपना घर बनाएगा। अब ये अकेला ही रहता था, मैंने आपको बताया कि इसकी फैमिली इसके साथ में नहीं रहती, ये चाहता था कि कम से कम इसकी बेटी सभी तो इसके पास में आ जाए, लेकिन ये ला नहीं सका उनको अपने पास में। ऐसे में इसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो इसकी हेल्थ बिगड़ गई, तो इसका बेटा आनंद इसके पास में आकर के रहने लगा। ऐसे में यहाँ रहते हुए इसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था एक बेकार घर के काम में,
मतलब बर्बाद कर दिया था सारा पैसा इसने। और जिस घर में ये रह रहा था इस टाइम पर, तो एक कुत्ता था इसका टार्जन, वो मर गया। और उसके मरने के बाद में इसका घर एक तूफान में तबाह हो गया। ये बेचारा फिर बेघर हो गया। फिर मजबूरी में इसको अपने बेटे के साथ में हनुमान हाउस वापस जाना पड़ा, तुलसी हाउस होल्ड में, जहाँ ये थोड़ा थोड़ा सेफ फील करने लगा। इसके बाद ये थोड़ा रिकवर हुआ। इतने में इसकी दो बेटियाँ और हुई, जिनका नाम था कमला और मैना, जिनको देखकर ये थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि अपने रहने का तो सहारा है नहीं और बच्चे में बच्चे हुए जा रहे हैं। तो ये कुछ टाइम उनके साथ में रहा और एक दिन ये एक सूटकेस लेकर अपने घर से बाहर निकला। इसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर इत्तेफाक से ये बस में चढ़ गया और बस में बैठकर ये पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँच गया। ये एक जगह का नाम था पोर्ट ऑफ स्पेन। वहाँ पर ये अपनी बहन के पास में गया। इसकी बहन का नाम था देवती और इसके बहनोई का जीजे का नाम था रामचंद। उनका बहुत ही पुराना सा घर था, सिटी के बाहर वो लोग रहते थे, वहाँ पर जाकर के ये रहने लग गया। वहाँ पर एक लोकल न्यूज़पेपर था सेंटिनल नाम का, जिसके लिए ये काम करने लगा। शुरू शुरू में तो उस न्यूज़पेपर के एडिटर ने इसको परमानेंट काम पे नहीं रखा, बल्कि एक महीने के लिए ऐसे ही इसको टेस्ट किया, ऐसे ही काम करवाता था फ्री में, बिना पे किए इसको। एक महीने बाद इसको फुल टाइम वर्कर के रूप में काम दे दिया उसने, और इससे कहा, मिस्टर बिस्वास से कहा कि तुम मुझे सनसनीखेज चटपटा कुछ ला कर दो, वो छापूंगा। तो इसी के साथ मिस्टर बिस्वास एक फुल टाइम रिपोर्टर बन गया। तो इसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को वापस बुलाना चाहता हूँ। इसने कहा कि तुम चाहो तो मैं यहाँ पर सेटल हो गया हूँ, आओ तो रह लो मेरे साथ में पोर्ट ऑफ स्पेन में। तो इसकी फैमिली वापस आ गई, तुलसी हाउस होल्ड छोड़ करके यहाँ पर आ गई। तो उस घर की हेड मिसेस तुलसी ने कहा, जैसा भी है हमारा दामाद है, इसकी मदद करनी चाहिए, वहाँ पर हमारा जो घर खाली पड़ा है इसको दे देते हैं रहने के लिए। अब ये थोड़ा टाइम उस न्यूज़पेपर में काम करता रहा, ठीक ठाक चल रहा था, पॉपुलर हो रहा था न्यूज़पेपर। लेकिन मिस्टर बिस्वास ज़्यादा टाइम तक सनसनीखेज नहीं लिख सका, क्योंकि मैनेजमेंट ने इससे कहा कि तुम कोर्ट केस पर और क्रिकेट मैचेस पर लिखना शुरू कर दो। इससे इसकी फैमिली की कंडीशन वापस वही हो गई और इसको यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। अब तुलसी फैमिली जो थी, जहाँ पे रह रही थी तुलसी हाउस होल्ड में, जो मैंने आपको बताया था सेठ इस फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर है, उससे इस फैमिली की लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उस फैमिली को वहाँ से जाना पड़ा। और यहाँ पर भी पोर्ट ऑफ स्पेन में ये इन्हीं के घर में रह रहा था, तुलसी फैमिली के घर में रह रहा था। तो यहाँ से भी, इस घर से भी इसको किक मार के बाहर निकाल दिया गया, बाहर कर दिया मतलब घर से। इस बीच ये वापस तुलसी फैमिली के पास एक बार गया, लेकिन वहाँ पर इसको चोरी का इल्ज़ाम लग गया इसके ऊपर, और वापस इसको घर से निकाल दिया गया। लेकिन लकीली इसका जो घर था पोर्ट ऑफ स्पेन में, वो फिर से इसके लिए खुल गया, अवेलेबल हो गया, तो ये वहाँ पर चला गया अपने साधु भाइयों को लेकर और अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर चला गया। वहाँ पर फिर ये उसी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साधु कुछ ऐसा काम कर रहे थे, अमेरिकन्स के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे थे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे थे, जिससे वो अमीर होते गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और ऑयल की बहुत ज़रूरत थी, तो वो ये काम करते करते अमीर हो गए। इस टाइम पर एक बहुत ही दुख वाली बात और हुई कि मिस्टर बिस्वास की माँ की डेथ हो चुकी थी। ये उस टाइम पर अपनी माँ के लिए बहुत रोया, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड था और बहुत कुछ ये अपनी माँ को बता नहीं सका, तो ये बहुत रोया। इसका बेटा आनंद बड़ा हो रहा था, वो जब कॉलेज में गया तो मिस्टर बिस्वास को एक नई जॉब मिल गई। उस वक्त तक ये खुद को थोड़ा ठीक ठाक फील करने लगा था, तभी इसको क्या पता चलता है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ था, इसका जो साडू था, उसने अपना खुद का घर ले लिया है। ऐसे में मिसेस तुलसी का जो छोटा बेटा था, जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, वो भी इंग्लैंड से पढ़कर वापस आया था, अपनी फैमिली को संभालने लगा था वो खुद। और आते ही उस लड़के ने क्या किया, मिस्टर बिस्वास को उस घर से बाहर निकलवा दिया। ये क्या जिंदगी है, मतलब कभी कोई बाहर निकाल रहा है, कभी कोई बाहर निकाल रहा है। अब ऐसे में एक दिन एक क्लर्क ने मिस्टर बिस्वास से कहा कि वो कोई अपना घर बेचना चाहता है, तो मिस्टर बिस्वास ने वो घर खरीदने की इच्छा रखी। तो इसने अपने मौसा से, इसका जो खालू था अजोदा, उससे $4,000 से ज़्यादा पैसे उधार ले लिए और वो घर खरीदा। अब फिर इसके बाद ये अपनी पूरी फैमिली को उस घर में लेकर गया, लेकिन वो घर जो इसने खरीदा था बहुत ही गलत ढंग से बना हुआ था। अगर हम कंपेयर करें अड़ोसी पड़ोसियों के घरों से, तो वो घर बहुत ही गलत ढंग से बना हुआ था। अब सौदा सही नहीं किया था हालांकि इसने। अब उस घर में रहते रहते इसको कुछ साल गुजरे,
अब मिस्टर बिस्वास को इस घर में रहते रहते कुछ साल गुजरे और ऐसे में इसका बेटा आनंद और इसकी बेटी सवि अब्रॉड चले गए पढ़ने के लिए। ये श्यामा भी अपने हस्बैंड मिस्टर बिस्वास की रेस्पेक्ट करने लगी थी, लेकिन इसके बाद अनफॉर्चुनेटली मिस्टर बिस्वास को 2 हार्ट अटैक आ गए और इसकी बेटी सवि अब्रॉड से वापस आ गई और उसको यहाँ पे एक जॉब मिल गई। अच्छा खासा कमाती थी इसकी बेटी, जो शायद इसने भी कभी नहीं कमाया होगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद इसकी डेथ हो गई और मरते मरते इसके मन में एक सुकून था कि अपनी फैमिली को किसी के भरोसे नहीं छोड़कर जा रहा, बल्कि अपने खुद के घर में छोड़कर जा रहा हूँ। 46 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई। कहानी वहीं आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी कि बंदे ने अपनी मेहनत से अपनी डेस्टिनी को बदल दिया। खैर, V.S. नायपॉल ने इस कहानी को अपने फादर से इंस्पायर होकर लिखा था और बहुत सारी 30 से ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं V.S. नायपॉल ने। अधिकतर अपनी फैमिली के मेंबर्स से इंस्पायर होकर के V.S. नायपॉल ने लिखे हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।